फरवरी में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने देश के पश्चिमी तट की यात्रा की थी। इसके बाद उनके विमान एयरफोर्स वन में मौजूद सामान की गिनती की गई तो इसमें से कई चीजें गायब मिली, जैसे तकिए के ब्रांडेड कवर, ग्लास, सुनहरी रिम वाली प्लेटों सहित कई सामान राष्ट्रपति के विमान से लापता हो गए थे। व्हाइट हाउस को कवर करने वाले पत्रकारों के संगठन द व्हाइट हाउस कॉरेस्पॉन्डेंट्स एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि राष्ट्रपति के विमान से सामान ले जाना वर्जित है। पत्रकारों से कहा गया है कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति के आधिकारिक विमान से स्मृति चिन्ह चुराना बंद करें। पिछले महीने एसोसिएशन ने पत्रकारों को ईमेल लिखकर कहा था कि इस तरह का व्यवहार प्रेस पूल के लिए सही नहीं है। प्रेस पूल उन पत्रकारों को कहा जाता है जो अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ एयरफोर्स वन में यात्रा करते हैं। कई बार पत्रकारों को राष्ट्रपति के साथ यात्रा के दौरान M&M चॉकलेट का पैकेट दिया जाता है जिस पर राष्ट्रपति की सील स्मृति चिन्ह के रूप में लगी होती है। लेकिन रिपोर्टों में दावा किया जाता है कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान से चम्मच, प्लेट, कटलरी या दूसरा सामान साथ ले जाया जाना आम बात है और ऐसा होता रहता है। वॉइस ऑफ अमेरिका के व्हाइट हाउस संवाददाता मीशा कोमादोस्की ने राष्ट्रपति के विमान से अपनी यात्राओं के दौरान इकट्ठा किए गए सामान का ठीक ठाक कलेक्शन बना लिया है। मीशा एयरफोर्स वन के लोगो वाला एक पेपर कप हाथ में लिए कहते हैं, ये सामान इकट्ठा करके ना मैंने कुछ गलत किया है ना ही किसी को शर्मिंदा किया है, मैं इस पेपर कप को फेंकना ही भूल गया था। मीशा के पास प्रेसिडेंशियल चॉकलेट का एक पैकेट भी है, इस पर राष्ट्रपति बाइडेन के हस्ताक्षर हैं। एयरफोर्स वन को व्हाइट हाउस राष्ट्रपति का हवा में उड़ता हुआ ऑफिस कहता है। इस विमान में 4000 वर्ग फीट का फ्लोर स्पेस है और इसमें 3 तल हैं। इसमें राष्ट्रपति के लिए एक बेहतरीन सुइट, एक ऑपरेटिंग टेबल के साथ एक मेडिकल स्टेशन, एक कॉन्फ्रेंस और डाइनिंग रूम, 2 भोजन तैयार करने वाली गैलरियां शामिल हैं जो एक समय में 100 लोगों को खिला सकती हैं। इसके अलावा प्रेस, VIP, सुरक्षा और सेक्रेटेरियल स्टाफ के लिए विशेष एरिया रहता है। एयरफोर्स वन विमान को एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट कैटेगरी में रखा जाता है जिसे हवाई हमले का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया है। इस विमान में हवा में ही ईंधन भरा जा सकता है। ये इसे असीमित समय के लिए हवा में उड़ान भरने की क्षमता प्रदान करता है। आपात स्थिति में ये क्षमता बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। एयरफोर्स वन सुरक्षित संचार उपकरणों से भी लैस है जिससे विमान मोबाइल कमांड सेंटर के रूप में काम कर सकता है। इस विमान में 85 ऑनबोर्ड टेलीफोन, 2 तरफा रेडियो और कंप्यूटर कनेक्शन हैं। एयरफोर्स वन में राष्ट्रपति सामने बैठते हैं जबकि पत्रकारों के लिए विमान के पिछले हिस्से में एक गैलरी होती है।